स्कूल में अड्डे, हमास के उड़े चीथड़े, 9 महीने से ज्यादा की जंग अब बहुत ज्यादा बेरहम हो चुकी है। दक्षिणी गाजा इस वक्त गाजा जंग का वो अखाड़ा बन चुका है, जहां एक तरफ हमास लड़ाके रॉकेट और एंटी टैंक माइन से हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने एक बार फिर से अपनी एयरफोर्स को युद्ध में झोंक दिया है। दिन और रात इजरायली एयरफोर्स चुन चुन कर हमास के टारगेट्स पर हमला कर रही है। जानकारों के मुताबिक दक्षिणी गाजा में इस वक्त हमास के सबसे अच्छे और बेहतरीन लड़ाके इजरायली सेना से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। खुद पीएम नेतन्याहू ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास एक बार फिर से दक्षिणी गाजा से भयानक हमले इजरायली सेना पर कर रहा है, लेकिन पिछले 4 दिनों में इजरायली वायुसेना ने अपने हमलों से ऐसा कोहराम मचाया है कि पूरा दक्षिणी गाजा खून से लथपथ हो गया है। लगभग 12 घंटे पहले इजरायल ने दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस पर अब तक का सबसे प्रचंड हवाई हमला किया है। जरा एनिमेशन से समझिए खान यूनिस में इजरायली हमले में क्या हुआ है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना के कई फाइटर जेट ने मिलकर खान यूनिस में अल अब्दा स्कूल पर मिसाइलों से हमले किए हैं, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि हमास के लड़ाकों ने स्कूल में अड्डे बना रखे हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमला किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हमास के लड़ाकों पर हमले करके मिसाइल दागे, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन इस हमले की चपेट में कई फिलिस्तीनी आ गए। इस हमले में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी मौके पर ही मारे गए हैं। खान यूनिस वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा हमास लड़ाकों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। इसराइल का हवाई हमला होते ही खान यूनिस में मौजूद अल अब्दा स्कूल में कोहराम मच गया। तबाह इमारतें, इंसानी चीथड़े और चीखते और रोते लोगों की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दक्षिणी गाजा खून से लथपथ हो चुका है। والله حرام يطلعوا عقل المصابين يطلعوهم يقعد بيجروا فيهم على الدراجة بيجروا فيهم بالله والله حرام والله حرام يا رب اللي بصير فينا 277 دن کا یدھ مار دیے 38,000 سے زیادہ اسرائیل اس وقت دکشنی اسرائیل नेतन्याहू सरकार के लिए नासूर बन चुका है। यही वो इलाका है जहां नेतन्याहू बार बार अपने कमांडरों से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमास की आखिरी बटालियन का सफाया दक्षिणी गाजा से होगा। इस वक्त दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर बेहद तीखे हमले हो रहे हैं। लगभग 4 हफ्ते पहले भी रफा में हमास के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल के सबसे मजबूत बख्तरबंद को उड़ा दिया था, जिसमें 8 इजरायली सैनिकों समेत एक इजरायली कमांडर भी मारा गया था। गाजा लगभग 90% तक तबाह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इजरायल वहां हमले तेज करता जा रहा है। हमास के लड़ाके बेशक रॉकेट से गुरेला युद्ध कर रहे हैं, लेकिन यह सच है कि इजरायली सेना के हाईटेक हथियार और जबरदस्त खुफिया तंत्र के सामने हमास टिक नहीं पा रहा है। अब तक 15,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन इजरायली सेना से जंग कर रही है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि हमास के लड़ाकों ने स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों में अपने अड्डे बना लिए हैं, जहाँ से इजरायली सेना पर खूनी हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना अब दक्षिणी गाजा में उन जगहों पर भी हमले कर रही है जहां पर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी मौजूद हैं। इन एनिमेशन के जरिए देखिए कि 4 दिन में इजरायल ने कितने रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं जहां हमास के अड्डे होने का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने 4 दिन में 4 स्कूल पर हमले किए हैं जहां पर हजारों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। दावा किया जा रहा है कि स्कूल के अंदर हमास लड़ाके भारी हथियारों और रॉकेट के साथ मौजूद थे, जिन पर इजरायली वायुसेना ने बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। इजरायल के हवाई हमलों में दावा किया गया है कि
स्कूल में मौजूद दो दर्जन से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन इन हमलों के दौरान पिछले चार दिनों में 77 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी गाजा में कोहराम मचा हुआ है। نزل الصاروخ بيجي 6 أنفار 7 أنفار استشهدوا اللي كانوا معانا جوا محبسين وشا والحمد لله طلع اصل میں حماس کو لگ رہا تھا کہ اسرائیلی سینہ فلسطینیوں سے بھرے اسکول پر ہوائی حملے نہیں کر پائے گی، لیکن یہاں پر اسرائیلی سینہ نے سٹیک حملوں سے حماس پر حملے کر دیے۔ ذرا دیکھیے پچھلے چار دنوں میں اسرائیلی سینہ نے غزہ پٹی میں کہاں کہاں حملے کیے ہیں، और इन हमलों की वजह से हमास के साथ साथ कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को इजरायली वायुसेना ने नुसीरात में अल जॉनी स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 16 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। इजरायल के हमले के समय अल जॉनी स्कूल में लगभग 2000 फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। 7 जुलाई 2024 दिन रविवार, इस दिन इजरायली सेना ने गाजा शहर के होली फैमिली स्कूल में हमला किया, जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक होली फैमिली स्कूल में हमले के वक्त सैकड़ों लोग स्कूल के मैदान में मौजूद थे। 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार को नुसीरात में UNRWA द्वारा संचालित स्कूल पर इजरायली हमले में घायल हुए कई लोगों को इलाज के लिए अल अफदा अस्पताल लाया गया। 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को इजरायली सेना ने खान यूनिस के पास अबासन में अल अफदा स्कूल के मैदान में एक तंबू पर हमला किया, जिसमें कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए और 58 से ज्यादा घायल हुए। पिछले चार दिन में गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले में 77 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बेशक इसराइल हमास पर काफी भारी पड़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हमास फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर हमले कर रहा है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना ने गाजा शहर से फिलिस्तीनियों को भागने के लिए कहा है। इजरायली सेना ने पर्चे गिराए, फिलिस्तीनियों को गाजा शहर छोड़ने का आदेश दिया। IDF ने अपने आदेश में कहा है, फिलिस्तीनी नागरिक दीर अल बल्लाह और अज जबायदा की तरफ जाएं, वहीं एक सुरक्षित जगह उनके लिए बची है, सुरक्षित गलियारे खोल दिए गए हैं। IDF ने अपने आदेश वाले पर्चे में लिखा है, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि तारिक बिन जियाद और उमर अल मुख्तार की सड़कें भागने के लिए सुरक्षित हैं। आप सभी पश्चिम से अल रशीद स्ट्रीट और वहां से दक्षिण की ओर सुरक्षित गलियारे से जाएं। अल वहदा और खलील अल वजीर सड़कें पूर्व में अल जायतौन पड़ोस और शहर के चौराहे तक जाने के लिए सुरक्षित गलियारे और मार्ग हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। वहां से सलाह अल दीन सड़क के माध्यम से दक्षिण तक जाएं। नोटिस में लिखा है, गाजा सिटी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, इसलिए गाजा सिटी खाली करें। गाजा युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है, हमास हार मानने को तैयार नहीं है और इजरायली सेना हमास का सफाया करने पर तुली है। इधर इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 60% से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। योव गैलेंट का ये भी दावा है कि हमास की ज्यादातर बटालियन का सफाया हो चुका है। अब तक गाजा पट्टी में 38,243 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या 88,000 से ज्यादा हो चुकी है। दक्षिणी गाजा के रफा शहर खान यूनस और पूर्वी गाजा के शुजाया में इजरायली सेना जमकर हमले कर रही है। इजरायली सेना ने खान यूनस के पूर्व में अबासन और खुजा सहित कई शहरों को तोपखाने से हमले किए हैं। कुल मिलाकर गाजा जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सबसे ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इसराइल को पता है कि अगर अब सीज फायर किया तो हमास को बचने का मौका मिल जाएगा।